हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर गुड बिहेवियर। आज की इस रीडिंग में आपके किसी चहेते पर्सन, आपके हस्बैंड वाइफ, लवर बिलवेड, फ्रेंड, जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं, उनके मन की बात को सामने लाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ देखेंगे कि जो माइंड में है क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। सो ये सब जानने के लिए आप रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें एंड थिंक ऑफ अ पर्सन। बताई हुई सर्कमस्टेंसेस अगर आपको लगता है आपके पर्सन की हैं इनिशियली बताई हुई, तभी ये रीडिंग आगे आपके लिए होगी। ऑल राइट, सो इट लुक्स लाइक कि ऑलरेडी या तो मैरिड हैं आपके पर्सन, रिसेंटली इनकी मैरिज हो चुकी है या ऑलरेडी मैरिड ही हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ऑल राइट, अदरवाइज आप लोगों के बीच मैरिटल कमिटमेंट को लेकर के कुछ बड़ा इशू रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ बैक स्टेप किया है। माइंड में चलता है जजमेंट, जो कि बताता है ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। नंबर 20 इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकली उसके लिए एट प्रेजेंट तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट जो भी आपके साथ गलत किया है उसका अफेक्ट आपके पर्सन की प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जा सकता है। 5 of Coins देख सकते हैं आप कि ये दोनों पर्संस लाइफ में बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स को भी शो करता है। तो आपके पर्सन ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनके प्रैक्टिकल एक्शंस तो नहीं हैं इसे रिकवर करने के, बट प्रैक्टिकली उनकी लाइफ पर इससे बहुत बड़ा असर इस वक्त देखा जा सकता है। नाउ वी शैल क्वालिफाई What type of judgment does this person think of? सिक्स ऑफ कप्स इमोशनली बैलेंस को इक्वल बिठाने का सोच रहे हैं। आपने इमोशंस इस पर्सन से हो सकता है बहुत ज़्यादा रखे थे, और अब ये सोचते हैं कि आपके साथ जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस किया जाए। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बैलेंस थिंग्स विद यू, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। सो इस बारे में ये सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, बट जो भी किया है इसका अफेक्ट इस पर्सन के प्रैक्टिकल एक्शंस में देखा जा सकता है। लेट्स ट्राई टू क्वालिफाई कि किस तरह से इस पर्सन की लाइफ में अफेक्ट हो रहा है आपके साथ गलत किए हुए एक्शंस का। द हैंग्ड मैन, ये पर्सन अब तक हैंग्ड हैं। 3 of Pentacles जिस भी कम्युनिटी में फ़िलहाल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पर्सन हैं, सो जिस भी कम्युनिटी में एट प्रेजेंट हैं वहाँ हैंग्ड हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट टू डू।
बट चाहते हैं आपके साथ चीजों को इक्वल करना। ब्रोकन हार्ट, अंदर ही अंदर आपके पर्सन टूटा हुआ महसूस करते हैं, बट प्रैक्टिकली कोई एक्शन तो नहीं ले पा रहे हैं, बट हैंड हैं अपनी लाइफ में, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं बिकॉज इनका माइंड इन्हें बार बार, ये देख सकते हैं आप जजमेंट कार्ड, यूनिवर्स अलार्म कॉल आपके पर्सन को दे रहे हैं कि जो भी इन्होंने गलत किया है उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पर्सन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सही से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अटैचमेंट, जहाँ भी हैं एट प्रेजेंट एक झूठा मुखौटा अटैचमेंट का चल रहा है, इसी वजह से लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से आपके पर्सन हैंग्ड भी हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी योर नेक्स्ट एक्शन बिकॉज ये पर्सन इस तरह से ज़्यादा समय तक गेट ऑन नहीं कर सकेंगे अपनी लाइफ में। थ्री ऑफ कप्स रिकंसिलिएशन का कार्ड होता है, सो ये पर्सन एक्शन लेंगे रिकंसिलिएशन के लिए, आपसे बात कर सकते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है किसी फास्ट एक्शन को, तो बहुत एग्रेसिवली बिकॉज इस पर्सन के माइंड में जजमेंट चल रहा है, ये पुरानी बातों को अब तक भूल नहीं सके हैं और प्रैक्टिकली हैंग्ड हैं, सो ऐसे में ये पर्सन ज़्यादा समय तक इन सिचुएशंस में नहीं रह सकेंगे, दैट्स वाई कुछ एक्शन लेंगे और ये एक्शन थ्री ऑफ कप्स रिकंसिलिएशन का हो सकता है, ये आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप रिज्यूम कर सकते हैं। इफ़ दिस पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप एंजल्स से भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे प्रेडिक्शन समझ सकते हैं एंजल्स की ओर से। ट्रस्ट करना है आपको, बॉटम ऑफ द डेक में नो का आंसर है बट ट्रस्ट करने को बोला है। मे बी दिस पर्सन हो सकता है कि बड़ा एक्शन ना लें बट एटलीस्ट आपसे फ्रेंडली बॉन्ड बनाने के लिए आपकी ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।